शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जितेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस, घर पर नजरबंद है जितेंद्र प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि कांग्रेस की जो इस वक्त यात्रा निकाली जानी थी उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए पहले जितेंद्र प्रसाद को नजरबंद किया गया था और अब जितेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें हिरासत में लेने के लिए जितेंद्र प्रसाद के घर पहुंची है पुलिस। जितेंद्र प्रसाद इस वक्त नजरबंद है और आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेताओं को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है और यहां प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा के लिए आने वाली थी, हालांकि अभी वो कहां हैं ये अभी जानकारी नहीं मिल रही है। फिलहाल जितेंद्र प्रसाद पुलिस की हिरासत में होंगे अब से कुछ ही देर में। इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से, आपको बता दें जितेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले उन्हें नजरबंद किया गया था और अब पुलिस हिरासत में उन्हें लिया जाएगा। आपको बता दें कि चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले को लेकर ये लगातार विरोध किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ और ऐसे में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इस पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जितेंद्र प्रसाद के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है, नजरबंद वे पहले से ही हैं और शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जितेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता शिव कुमार इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। शिव, क्या है जानकारी? देखिए, भारी पुलिस फोर्स जितेंद्र प्रसाद के आवास पर पहुंच चुका है और बाहर से रस्सी का एक पूरा घेरा बांध दिया गया है। जैसे ही गेट को पार करेंगे इनके कार्यकर्ता, जितेंद्र प्रसाद उनको गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। चूंकि अभी वो अपने आवास के अंदर, उनके साथ लगभग 100 से 150 कार्यकर्ता उनके साथ में है, तो फिलहाल पुलिस गेट को बाहर से उसने लॉक कर दिया है और किसी को भी ना अंदर जाने की इजाजत है ना बाहर जाने की इजाजत है। तो कुल मिलाकर पुलिस की पूरी तैयारी है, अगर जितेंद्र प्रसाद और उनके कार्यकर्ता अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सभी अभी अंदर बैठे हुए हैं, बाहर भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। अभी तक की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर लोग इकट्ठा हुए थे, जो नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, उन सभी की गिरफ्तारी करके उनको फिलहाल अभी पुलिस लाइन में रखा गया है। अभी कुछ और लोगों की लगातार एक से एक बात, जहां भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मिल रहे हैं उनको उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको पुलिस लाइन में रखा जा रहा है। फिलहाल अब भारी पुलिस बल यहाँ पर एसपी सिटी मजिस्ट्रेट SDM सही तमाम प्रशासन के भी अधिकारी मौजूद है, पुलिस के भी अधिकारी मौजूद है। जितेंद्र प्रसाद फिलहाल अंदर है, जैसे ही वो अपने गेट को पार करेंगे उनकी गिरफ्तारी करने, दो बसें रोडवेज की लगा दी गेट के बाहर है। फिलहाल पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही है कि वो गेट से बाहर निकले और उनकी गिरफ्तारी कर ली, क्योंकि धारा 144 लागू है, जो कि जैसे ही सार्वजनिक स्थान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचेंगे उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन जितेंद्र की गिरफ्तारी के लिए तैयारी की जा रही है जी। अभी चूंकि ये यात्रा निकाली जानी थी, कई कांग्रेसी नेता पहले हिरासत में ले लिए गए हैं और जितेंद्र प्रसाद नजरबंद पहले से ही हैं। अब तक एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल कांग्रेस की तरफ से एक यात्रा निकाली जानी थी जिसको लेकर ये सब कुछ हो रहा है। शिव, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो नजरबंद किए गए नेता हैं, जितेंद्र प्रसाद के अलावा भी कोई नेता इसमें शामिल? देखिए, बाहरी नेताओं की बात करें तो बाहर से कुछ नेता जिसमें कि अजय उर्फ लल्लू, धीरज गुर्जर, साथ ही जो राजीव तिवारी है जो प्रवक्ता है उसके, राजीव त्यागी माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उन सबकी गिरफ्तारी करके उनको पुलिस लाइन में रखा गया था। अब फिलहाल जितेंद्र प्रसाद के साथ में लगभग 100 से 150 उनके आवास पर मौजूद है, निर्बंध सुबह से ही किया जा चुका था, लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही वो गेट को पार करेंगे धारा 144 लागू हो जाएगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सभी, अभी गेट पे काफी हंगामा हुआ, जितेंद्र प्रसाद ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया था, साफ तौर पर कहा गया था कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, अगर उस गेट को पार करने की कोशिश की गई तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। फिलहाल जो उनकी पदयात्रा थी, फिलहाल उस पर तो रोक लग गई क्योंकि कोई अनुमति नहीं थी इनके पास इस पदयात्रा को लेकर। अभी जितेंद्र प्रसाद का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस पदयात्रा को रोका नहीं जाएगा, जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो इस पदयात्रा को जरूर शुरू कर देंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को भी निश्चित लिया, उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया, ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है जिसका वो पुरजोर विरोध करेंगे जी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि शिव जितेंद्र प्रसाद घर से बाहर निकलते हैं या नहीं। शिव, प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है?
देखिए कल से इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि प्रियंका गांधी इस न्याय पदयात्रा में शामिल हो सकती, चाहे वो शाहजहांपुर से शामिल हो या बीच में कहीं शामिल हो, लेकिन अभी तक उनकी लोकेशन कोई भी कार्यकर्ता बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हैं, गिरफ्तारी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है एक राजनीति करने को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कोई बड़े मुद्दे, तो प्रियंका गांधी इस पूरी न्याय पदयात्रा की पूरी जो अगुवाई थी निर्देशन में पूरी की जा रही, तो इस बात की भी आशंका है कि प्रियंका गांधी भी शाहजहांपुर आ सकती हैं और किस गिरफ्तारी की गई उसका विरोध वो यहाँ आकर कर सकती हैं। फिलहाल अभी उनकी लोकेशन कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन अपने बात की व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस की जो महासचिव है जो प्रियंका गांधी वो भी इसमें शामिल हो सकती है। जी ठीक है, नजर बनाए रखें शिव आप इस पूरे मामले पर, और लौटेंगे आपके पास अपडेट्स लेने के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल। कांग्रेस पार्टी आज चिन्मयानंद मामले में न्याय पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनकी इस पदयात्रा पर अनुमति न होने का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली। आप पीछे देख सकते हैं कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज रैली निकालने की तैयारी कर रहे थे, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सभी को यहां की रोडवेज बस में बैठाकर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। तो जो लोग गिरफ्तारी देने से इनकार कर रहे थे, पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया है, उनको उठाकर ले जाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, उनको भी पुलिस उठाकर यहां से ले गई। तो कांग्रेस की न्याय पदयात्रा को लेकर बवाल यहां पर मचा हुआ है। राजीव त्यागी गिरफ्तार हो चुके हैं, जितेन प्रसाद के घर के बाहर पुलिस वैन्स लग चुकी हैं, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं लिया जाएगा हिरासत में। स्पष्ट है कि जिस तरह से अंग्रेज अन्याय करते थे, ठीक उसी तरह से आज गांधीवादी तरीकों से योगी सरकार पूर्णतया डर चुकी है कि जिस तरह से सरकार बेटियों के बजट में कटौती कर रही है, उसके बारे में मोदी सरकार क्या कहेगी। उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी भयभीत हैं कि शाम 7 बजे के बाद आज निकलना दूभर हो गया महिलाओं का, और बलात्कार के मामलों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, योगी सरकार को कुंकर्णी नींद से जागना चाहिए। तो शाहजहांपुर में इस वक्त ये पूरा जो सियासी ड्रामा है वो जारी है, जहां कांग्रेस की न्याय पदयात्रा इस वक्त जेल यात्रा में तब्दील हो चुकी है। जेल जाना पड़ेगा, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं और कई कार्यकर्ताओं को अभी और हिरासत में लिया जा रहा है।